डेज वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। आज एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैथ्स टीचर ड्रॉज अ स्ट्रेट लाइन ए बी ऑन द ब्लैक बोर्ड एज पर द फॉलोइंग फिगर, राइट? नाउ ही टोल्ड राजू टू ड्रॉ अनदर लाइन सी डी, ओके, सी डी एज इन द फिगर, ओके। Now, the teacher told Ajay to mark angle AOD as 2Z. This angle AOD, this is 2Z. Okay. Suraj was told to mark AOC as 4Y. AOC, this angle is 4Y. Right. Then, Clev made an angle COE 60 degrees. COE, this angle is 60 degrees. Right, Peter marked BOE, BOE and BOD, BOD, where is BOD? As Y and X, BOE Y and BOD X, okay? आगे देखिए, now answer the following questions. What should be the value of X plus 2Z? ध्यान से देखो, X, here it is X, here it is 2Z. What is the relation between these two angles? You know that AB is a straight line and by linear pair X plus 2Z equal to 180. So what is the relation? X plus 2Z equal to 180. Okay, relation. Next, देखिए, what is the value of X and Y? और इसमें आपके पास choice है, what is the value of Y and Z? कहने का मतलब y तो आपको निकालना ही है, अगर आपको x समझ में आता है तो फर्स्ट ऑप्शन कर दीजिए, z समझ में आता है निकालने के लिए तो आप सेकंड ऑप्शन कर दो, ठीक है? देखो ध्यान से, यस, पहले x एंड y, तो आप देखो आप कौन सा एंगल इजीली निकाल सकते हो, ध्यान से देखना, इसमें लीनियर पेयर भी लग सकता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी, राइट? तो देखा हमने ए बी स्ट्रेट लाइन है, 4y plus 60 plus y कितना होगा 180, ओके, एज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो 4y plus 60 plus y इक्वल टू 180, क्यों होगा? बिकॉज ए बी इज स्ट्रेट लाइन, राइट? तो सॉल्व करते हैं, 5y इक्वल टू 60 माइनस करेंगे तो 120 एंड y इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, y इज 24, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 24, ओके। अब आप देखो, आपके पास चॉइस में दो क्वेश्चन है, या तो आपको x और y निकालना था या y और z, y तो दोनों में निकालना था तो ये काम तो होगी। अब आगे समझते हैं, आप कौन सा इजीली निकाल सकते हो, x या z? देखो ध्यान से, x 4y, ध्यान से देखना बेटा, 4y और ये x, DOB and AOC, these two angles are vertically opposite angles, as this is a straight line, this is a straight line, so these two angles are vertically opposite, right? So yes, x equal to 4y by vertically opposite angles, okay? So यहाँ से निकालते हैं, x equal to 4 into y, y हमने कितना calculate किया था, 24, सॉल्व कर दिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 plus 1 9, 96, ठीक? तो अब हमारे पास x भी आ गया, अब देखते हैं z भी सीखते हैं कैसे निकालेंगे, ओके? तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, x की हेल्प से हम z भी निकाल सकते हैं by linear pair, अभी हमने रिलेशन बताया था x और z में, क्या दिक्कत है, x की वैल्यू पुट करो z आ जाएगा, लुक यार, यहाँ देखिए x plus 2z equal to 180, हमने x कितना कैलकुलेट किया, अभी हमने x कितना निकाला, यस 96 डिग्री,
तो वैल्यू पुट करते हैं 96 प्लस 2z इक्वल टू 180, राइट। सो 2z इक्वल टू 180 माइनस 96, सो फ्रॉम हेयर वी गेट, माइनस कर दिए फटाफट, यस इट इज 84, राइट। सॉल्व करते हैं, z इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 42, ओके ओके। तो अब हमारा सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। आपके पास चॉइस है, ध्यान से करना, जो भी आपको इजीली समझ में आए पहले आप उसको करेंगे। लास्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन y एंड z। देखो ध्यान से, y और z में क्या रिलेशन हो सकता है। हमने देखा था AB और CD स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दीज टू एंगल्स दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। कर देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, देन दे आर इक्वल, सो मींस 60 प्लस वाई कौन सा एंगल, BOC इट इज इक्वल टू 2z AOB बाई अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो फाइनली दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z, राइट। आप केस स्टडी में बचा, ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क, दिस इज 2 मार्क एंड दिस वन इज 1 मार्क, ओके। इस फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी के। सेकंड क्वेश्चन में 2 मार्क क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। तो आप ध्यान से करिए, जो आपको इजीली समझ में आए उसको पहले अटेम्प्ट करिए, और फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क के हैं। आपने समझा कि कुछ भी केस स्टडी में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पक्का करिए, तभी आप इन केस स्टडीज को कर सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।